सलाम वालेकुम तुझे मैं मौलवी नहीं भाई। मांगती तो तू तो मेरे यार लगता पहले इतना मिरासी से फिर मौलवी बढ़ गया। आज की वीडियो है जो है ना, वो मैं आपको अलामा नासिर मदनी साहब और महक मलिक के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, उनका चंद दिन पहले एक तनाज़ा हुआ है जिसके अंदर अब उसने वीडियो बयान जारी किया है महक मलिक ने और अलामा नासिर मदनी साहब ने। तो उसके अंदर आप लोगों ने भी देखा होगा और मैं भी तक आज देख रहा था कि क्या क्या बातें हुई हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो क्लिप भी दिखाने वाला हूँ। महक मलक एक खुसरा है, ओ मैं गोजरे गया तकरीर कर, उन्हां दे घर मैं बैठा, निका जिहा हुंदा सी अजे, ओ खुसरा नहीं सी बनिया, ते मेरे पैर पे हाथ दबावे तो दी मां ते उहदा भरा आंदा इहनूं संजाओ नचना टपना ना सिखे, मैं उहनूं कहा नाता पढ़िया कर, मेरे नाल गड्डी च बह जा। ए मैं तुहानूं जैनुअन गल दस, हमारे साथ कमा तू भी ये सारे पैसे, तू मौलवी नहीं तू मरासी है, तुझे मैं मौलवी नहीं मांगती तू मेरे लगता पहले मिरासी से फिर मौलवी बढ़ गया। जी तो दोस्तों, उसके अंदर ये है कि हमारे माशरे के अंदर जो है ना, अलामा साहब और वो एक साइड पे महक मलिक, तो उसके अंदर अलामा नासिर मदनी साहब 2 घंटे की स्पीच करते हैं स्टेज पे जाके और तकरीबन 1.5 घंटे जुगतें लगाते रहते हैं। नाजरीन वैसे अगर कहा जाए तो हमारी आवाम भी इस तरह की हो चुकी है, जब तक वो अल्लाह के काम में भी यानी कि कोई मस्जिद में जाके सुनने बयान के लिए भी वो फन चाहते हैं। तो ये गलती हमारी आवाम की है। और उसके बाद जो उसने बयान किया है महक मलिक के साथ, और उसने जो महक मलिक में फिर बयान जारी किया है नासिर मदनी साहब के हवाले से, तो मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी हुई जब उसने कहा है कि अलामा साहब आप अपनी दाढ़ी कटवा लें और हमारे साथ आ जाएं। यार ये कोई इंसानियत है? ये कोई कहने की चीज़ है? कम अज़ कम उसे तो शर्म आनी चाहिए थी ना। एक खुश रहो कि तू तो लगी हुई है ना काम में, तो लगी रहे। जी तो नाजरीन, आपकी इस चीज़ के बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा।